मनु यादव के पास पर जांच होना चाहिए भाई। अभी जिसे वो मनु यादव स्टे लगा है आपके यहाँ, तो पूरा काम धाम बंद हुई? अभी बंद है, पूरा काम धाम बंद हुई। कोई जनतल काम मिला थे, कुछ नहीं मिला, सब घर बैठे। खबरें विस्तार से। चुरिया विकासखंड के ग्राम पंचायत भंडारपुर के आश्रित ग्राम बिसाहुटोला के ग्रामीणों के द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले मन्नूलाल यादव पिता बुधराम यादव निवासी बापूटोला के खिलाफ जिलाधीश राजनांदगांव के नाम तहसीलदार चुरिया को ज्ञापन सौंपा गया। ग्राम बिसाहुटोला के शासकीय भूमि खसरा नंबर 22 रकबा 0.6400 हेक्टेयर लगभग 0.50 एकड़ पर मन्नूलाल यादव के द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। ग्राम पंचायत के द्वारा मनरेगा के तहत निस्तारी तालाब का निर्माण कार्य किया जा रहा था, किंतु लगातार मन्नूलाल यादव के द्वारा स्टे रोक लगाकर तालाब निर्माण को बाधित किया जा रहा है, जिसकी सूचना पूर्व में ग्रामीण व पंचायत प्रतिनिधि ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डोंगरगांव और तहसीलदार चुरिया को दी थी। उसके बाद तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक व पटवारी के द्वारा ग्रामीणों, पंचायत प्रतिनिधियों और मन्नूलाल यादव के समक्ष सीमांकन किया गया, जिस पर माप के बाद मन्नूलाल के द्वारा 0.50 एकड़ शासकीय भूमि पर अतिक्रमण पाया गया और तहसीलदार के द्वारा मौखिक आश्वासन देते हुए मन्नूलाल को शासकीय भूमि को छोड़ने कहा गया, किंतु मन्नूलाल तानाशाही करते हुए शासकीय भूमि जिस पर पिछले वर्ष मनरेगा के तहत निस्तारी तालाब का निर्माण कार्य हुआ था, उसी भूमि पर इस वर्ष वो धान और अरहर की फसल उगाया था, जिसकी सूचना तहसीलदार को ग्रामीणों के द्वारा दी गई थी। तब तहसीलदार ने कहा कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत अवैध कब्जाधारियों को हटा सकती है, जिस पर ग्राम पंचायत के द्वारा 3 बार मन्नूलाल यादव को नोटिस जारी किया, उसके बाद भी वो शासकीय भूमि को छोड़ने तैयार नहीं है और ग्रामीणों से बदले और ईर्ष्या की भावना के चलते 28 ग्रामीणों के ऊपर फसल चोरी का आरोप लगाते हुए न्यायालय में धारा 294, 379, 427, 448, 506 के तहत चिचोला चौकी में FIR दर्ज करवाया है, जिससे बिसाहुटोला के आक्रोशित ग्रामीणों के द्वारा जिलाधीश महोदय से मजिस्ट्रेट जांच कर दोषी के ऊपर त्वरित दंडात्मक कार्यवाही करने की मांग की है। जिस प्रकार पूरे जिले में अवैध प्लाटिंग, अवैध कब्जाधारियों पर आपके आदेशानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है, ठीक उसी प्रकार बिसाहुटोला के शासकीय भूमि पर कब्जा करने वाले के ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए। लोकेशन चुरिया, राजनांदगांव, संवाददाता अमर गिरी, कैमरामैन प्रेखराज। मनु यादव के पास पर जांच होना चाहिए भाई। अभी जिसे वो मनु यादव स्टे लगा है आपके यहाँ, तो पूरा काम धाम बंद हुई? अभी बंद है, पूरा काम धाम बंद हुई। कोई जनतल काम मिला थे, कुछ नहीं मिला, सब घर बैठे परेशान है। पूरा आदमी परेशान है, गांव वाले पूरा परेशान है। आपके नाम दीदी? सकुन भाई गंधर्व, सरपंच ग्राम पंचायत। का समस्या लेके आप मन आज तहसील ऑफिस आ रहे हो? हम मान हाँ, सब कोई गांव बिसाहुटोला के निवासी हैं। हमार गांव के शासकीय जमीन खसरा नंबर 22, तो उसमें हम मान हाँ गांव वाले सोचें कि यह तालाब बने के लिए है, तो शासन से मांग करें, शासन से पैसा पास हो गए। ओकर बाद में हम सोचें कि चारों मुड़ा किसान हैं, तो कोई किसान के जमीन और तालाब के अधिग्रहण में नहीं आना चाहिए, तो हम पहले शासन से मांग करें ना, और नाप हुई, नाप में पता चली कि वो शासकीय भूमि में 11 डिसमिल जमीन है। तेना मन्नो आत्मज बुधराम गांव बापूटोला निवासी के अवैध कब्जा पाए गए है ना, तो ओकर बाद में ओला छोड़े बार आवेदन लगवाएं, तो हमला आवेदन के आधार पे हमला मिलीस, वहाँ फिर रोजगार गारंटी के तहत काम चालू हुई, 2-3 दिन कमाए रहने आदमी जमीन मोरे करके स्टे लगाइस। हम फिर स्टे के विरुद्ध में यहाँ अपन आवेदन लगाए तहसील में, यहाँ से हमला फिर अपन क्लीन चिट मिल गई। ओकर बाद में हम फिर काम चालू कराएँ, 1 हफ्ता चलीस, फिर वो आदमी है तेन हाँ डोंगर गांव में स्टे लगा दी SDM के पास में। हम SDM के पास में भी जाके फिर आवेदन लगाएं कि भाई वो जमीन है तेन हाँ शासकीय भूमि करके बता थे, जिनमें 11 डिसमिल जमीन है तेन हाँ मनु नाजायज कब्जा करे है, तो वो मैं शासकीय काम चला थे, अभी स्टे लगा दे है, तो कर जांच होना चाहिए।
तो माननीय महोदय जी है तेनहार पटवारी आर आई तहसीलदार शायद सूचना दी सोही ओकर आधार पे वो तीनों जो शासकीय कर्मचारी है पटवारी तहसीलदार और आर आई साहब जा करके वहाँ पूरा ग्राम पंचायत के रहन है गांव वाले रहे हैं और मन्नू लाल भी रही से और दो चार बापटोला किसान भी रहन है ओकर सामने पूरा सरहद से नाप करत लईस निका और ओकर बाद में वो जो जगह है शासकीय भूमि जेकर बारे में हम चर्चा करा था तो ओमें 11 डिसमिल पहले को नाजायज कब्जा पाए गए रही से ओकर बाद 29 डिसमिल फिर नाजायज कब्जे मिले टोटल आधा एकड़ जमीन मन्नू के नाजायज कब्जा निकली जिला तहसीलदार महोदय जी है तेन हाँ खुद मौखिक रूप से मन्नू ला बोलिस कि ये जगह शासन के पक्ष में निकल रहा है आप इसको छोड़ दो ऐसे करके स्वयं खड़े हो करके खूंटी गड़ा करके चिन्हांकित करीस अभी हम काम चला फिर मतलब मन्नू है तेन हाँ स्टे लगा दी तो आज भी वो स्टे आर्डर है और वहाँ लगभग मनरेगा के तहत जो काम चला था इसमें अभी भी 1.5 लाख रुपया संभवतः बाकी है। अभी जानकारी के हिसाब से आपके गांव के 28 लोगों के ऊपर जो कार्रवाई करेंगे है शिकायत करे कर विषय में कुछ वो ईर्ष्या वेश करे है काबर कि मन्नू जे दिन गांव वाले मन जब फसल लगी है हम नहीं चाह कहा था कि नहीं ले गए हैं गाँव भर मिल के ले गए हैं हम मन है ना और वो दिन ना मन्नू गे रही से ना उकर कोई परिवार के गेरी ना हम ट्रैक्टर में ले गए हैं उकर कथन अनुसार वो हर ईर्ष्या वेश गाँव वाले फंसाए खातिर वो मतलब कोर्ट में परिवाद दायर करे है ऐसे कोई बात नहीं है ना मात्र एक देश के भावना से